गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे कि पता है कि सलमान खान ने जिस इंटरव्यू जूम में ये बात कही है कि द बुल फिल्म आने वाली है, उसमें ये भी बताया है कि उनकी एक फिल्म जो शाहरुख खान के साथ आ रही है वो भी आने वाली है, जिसको आप समझ सकते हो टाइगर वर्सेस पठान। मतलब ये फिल्म आएगी, जिसको लेके बहुत लोग कह रहे थे ये फिल्म नहीं आएगी, रुक गई, पोस्टपोन हो गई। बेचारों के पास कोई चीज बची नहीं है तो सब झूठी बोलना है, सुबह दोपहर शाम झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो और बराबर झूठ बोलो, यही होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई तब तक आप किसी बात का यकीन मत करना। लेकिन शाहरुख खान के फैंस जो है वो जो हिसाब से हरकतें इस वक्त सोशल मीडिया पे कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ वाला, वो अगर वो उन्होंने नहीं बंद किया तो आने वाले कल में शाहरुख खान खुद अपने फैंस से कहेंगे, देखा तुमसे कहा था कि तुम झूठ मत बोलना, लेकिन तुम्हारे झूठ की वजह से आज मैं फिर वही फुटपाथ पे आ गया जहां मैं पहले था। 4 साल तक मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, वो तो सलमान भाई ने मुझ पर रहम कर मुझ पर एहसान किया कि मुझे फिर से बिल्डअप दिया, मुझे पठान मिली, पठान में उन्होंने कैमियो किया, मेरी सारी फिल्मों को प्रमोशन किया। मैं नल्ला उनकी एक भी फिल्म का प्रमोशन नहीं किया, एक पोस्टर नहीं भी किया, सलमान भाई इतनी मदद मेरी की, लेकिन तुम लोग फिर से अपनी हरकतों से मेरा करियर लेके डूबने पे लगे हो। ये रियलिटी है, समझो इस बात को, सोचो। कहीं अपने भाईजान सीरियस हो गए तो जानते हो क्या होगा, वो कहेंगे शाहरुख शाहरुख मैंने तेरी फिल्मों को प्रमोट किया, तुझे वापस लेके आया, फिर से तुझे स्टैंड करवाया। यहां तक अपने फैंस से भी कहा कि फिल्म जाके देखो, शाहरुख अपना भाई है। कपिल शर्मा शो में भी सबको बताया कि शाहरुख अपना भाई है। मेरे फैंस जो है वो लग गए तेरी फिल्म को सपोर्ट करने में, लेकिन तेरे ये नल्ले फैंस जो है कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। अगर तू इसके ऊपर अपना काबू नहीं रखा ना, तो याद रखना अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली और अपने फैंस से कह दिया शाहरुख को बैकआउट करो, तो याद रखना वो 4 साल जो तुझे तनहा अकेले में गुजारे ना, फिर से वो तो उसी रास्ते पे आएगा। लोग मुझे भाईजान कहते हैं, मैं एक बार बोलता हूँ और फुल एंड फाइनल हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ शाहरुख खान के फैंस को, देखो सलमान शाहरुख एक अच्छे बॉन्ड है उन लोगों का, एक अच्छे प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। आप प्लीज उसको इतना ज्यादा गलत मत बोलो कि इन लोग के फैंस के बीच में दूरियां आ जाए। जिस तरीके से आप कंटिन्यू ला रहे हो, रुक नहीं रहे हो, अभी भी हर चैनल पे सिर्फ सलमान खान के बारे में गलती बातें की जा रही हैं। एक वीडियो बताओ जो सलमान खान के सपोर्ट के ऊपर तुम लोगों ने बनाई है, कोई नहीं बनाई है, सिर्फ सलमान के नाम पे व्यूज पाते हो बस। और कुछ एक बात तुमका हम ठेठ भाषा में समझाई कि ग्लोबल हो चाहे ग्लोबल के बाऊ हो, ठीक है, जब फिल्म रिलीज होती है ना तो सांस सबकी अटकी रहती है कि फिल्मों चली कि ना चली, समझे है? और जैसा तुहार ग्लोबल स्टार हो, वो 10 साल से कहां तरसत रहा तुम लोग के पता हो ना, पता हो कि ना पता हो, सारा ग्लोबल चला गया भीतर कुछ नजर ना आवत रहा, ठीक है। और रही बात अपने सलमान खान की, चांद हमेशा मुस्कुराता है, चाहे फिल्म आज रिलीज हो चाहे कल रिलीज हो, कुछ भी हो, कोई हेडेक नहीं, कोई टेंशन नहीं। सलमान खान ने कई इंटरव्यू में खुद कहा है, जिस दिन मुझे लगेगा मेरी फिल्में नहीं चलेंगी, अब मैं काम के लायक नहीं हूं, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत है, उस दिन फिल्म से इस्तीफा ले लूंगा, फिल्में बनाना बंद कर दूंगा, लेकिन किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, तुम मेरा सपोर्ट करो। इसीलिए सलमान खान अपनी फिल्मों को लेकर कभी नहीं कहते तुम मेरी फिल्म का प्रमोट करो, फिल्मों को पोस्टर रिलीज, कभी नहीं कहते। दूसरों का कर देते हैं लेकिन दूसरों से कभी नहीं कहते कि तुम मेरी फिल्मों का करो, क्योंकि भाई साफ बोलता है यार कई इंटरव्यू में, जिस दिन लगेगा मैं बोझ हूं फिल्म बंद, समझे, ऐसा होता है स्टार, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए मौका है, मैं बार बार, मैं शाहरुख का हेटर नहीं हूं, बार बार बोलता हूं, और जाके नल्लो उस वीडियो को देखा करो जिसमें मैंने शाहरुख सपोर्ट किया, बार बार तुम लोग को याद दिलाने के बोलना पड़ता है, मैं हेटर नहीं हूं, लेकिन समझो बात को, अभी वक्त है।